हेलो फ्रेंड्स, एक फिर से स्वागत है आपका हमारे सेशन वुमेन स्पेशल में। मैं की आज फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आप बुद्धिमान शिशु चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या आपको खाना चाहिए। तो मेरी ये मजेदार और एक्साइटिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी न्यू वीडियोस के अपडेट मिलती रहे। तो अब मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपना आज का वीडियो। जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसका ब्रेन बहुत शार्प हो। हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी होती है, हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है, पर माँ बाप ये सोचते हैं, उनकी थिंकिंग होती है कि जैसा वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके बेबी का ब्रेन विकास हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी बेबी की ब्रेन और भी ज्यादा शार्प बना सकते हैं। संगीत का असर, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि हमें पसंद है सॉन्ग सुनना, पुराने गाने, नए गाने, रिमिक्स, डीजे सॉन्ग्स। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम प्रेग्नेंट हैं और हम गाने सुनना हमें पसंद है तो इस चीज का भी हमारी बेबी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप संगीत बहुत सुर वाला, बहुत धीमी आवाज वाला या बहुत ही मधुर संगीत सुन रहे हैं तो उसका आपके बेबी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर इसके साथ साथ अगर आप डीजे रिमिक्स सॉन्ग्स, हाई वॉल्यूम सॉन्ग्स सुन रहे हैं तो वो आपके बेबी के विकास के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आपके लिए अच्छा यही होगा आप अच्छी धुन वाले, अच्छे मधुरमय सॉन्ग सुने जिससे आपको भी और आपके बेबी को भी, दोनों को भी हैप्पीनेस फील हो, आप दोनों खुश रहें। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, खाने पीने का ध्यान। बिल्कुल सही सुना आपने, आपके हाथ में होता है कि आपके बेबी का कितना ब्रेन का विकास हो, कितना नहीं। तो सबसे मेन थिंग ये आती है कि आपको अपनी डाइट बिल्कुल ही बैलेंस डाइट रखनी है। ना आपको ज्यादा फैट्स ना कार्बोहाइड्रेट्स जैसी डाइट लेनी है, आपको ऐसी डाइट लेनी है जो आपके लिए बहुत हेल्दी हो, जैसे कि ग्रीन सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। इन सब चीजों को आपको ज्यादा महत्वता देनी पड़ेगी बजाय जंक फूड या अदर स्ट्रीट फूड के। तो अगर आप अपने खाने पे ध्यान देंगे, आप अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे, आपके इस बैलेंस डाइट का आपके ऊपर तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, साथ के साथ आपके बेबी के ब्रेन के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपने बेबी बम को टच कीजिए, अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कीजिए, अंदर ही अंदर उससे बातें कीजिए, उसकी हैप्पीनेस को फील कीजिए। इसका आपके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और इससे आपके बेबी की ब्रेन बहुत शार्प होगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही उसको अपने टच में रख रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इससे बच्चों की मेंटेलिटी और भी शार्प होती है। इसके साथ साथ आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना है, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसका सीधा इफेक्ट आपके बेबी पर हो और उसे कोई भी बर्थ डिफेक्ट हो या फिर कोई भी उसके साथ अनहोनी हो। आपको बिल्कुल स्ट्रेस आउट रहना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है और हैप्पी रहना है, सिर्फ वो ही करना है जो करने से आपको खुशी मिले। और इसके साथ साथ आपको एक बात का और भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, आपको अपनी पूरी नींद लेनी है, आपको बिल्कुल भी थकना नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहे हैं और आपको थकान महसूस हो रही है तो उस काम को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इस टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बेबी को और आपको रेस्ट करना चाहिए जिससे आपकी नींद पूरी हो, जिससे आप बिल्कुल थकान फ्री रहें, आप बिल्कुल फ्रेश रहें। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी बेबी के विकास पे। तो मैंने आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताई हैं जिन्हें ध्यान रख के आप अपने बेबी का विकास काफी अच्छे से कर सकते हैं और जिससे आपको भी खुशी मिले और आपकी आने वाली संतान को भी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये मजेदार वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं और आपके लिए ऐसी और लेटेस्ट वीडियोस लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।